अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फारिस और मैं आज आपको बताऊंगा कैंपिंग के बारे में, मतलब टेंट कैंपिंग, जो कि हम नॉर्दर्न एरियाज में अक्सर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें होटल की फैसिलिटीज नहीं मिलती, जैसे कि नॉर्दर्न एरिया में जब बर्फबारी हो, जैसे नारायण कागान, पाकिस्तान में नारायण कागान मरी हो गया, ये तो यहाँ पे होटल्स बुक हो जाते हैं, होटल्स में जगह नहीं होती। और अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो बाइक पे आपको कैंप लाजमी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको होटल खुदा ना खास्ता नहीं मिलता तो आप कहाँ पे रहेंगे, बाइक पे आप सो भी नहीं सकते। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी में इजीली सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपके होटल अगर नहीं है तो आप कहीं भी नहीं रह सकते, मतलब क्योंकि वहां पे सर्दी होती है तो सर्दी में बंदा जहरी सी बात है नहीं रह सकता। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा कैंप आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सा जंगली जानवरों से बचा सकता है और सर्दी को बचा सकता है। तो आइए बात करते हैं कैंप के बारे में। तो अगर आप बाइक पे सफर कर रहे हैं तो आपके जो हैंड बैग होता है, जो आपने बैग कैरी किया होता है, तो इतना पैराशूट टेंट के हर जगह से मिल जाता है, जो इजीली आपके बैग में आ जाता है आसानी से। वो अगर आप दूर सफर कर रहे हैं तो वो इजीली आप अपने शोल्डर्स पे लगा सकते हैं, वो इतना भारी भी नहीं होता कि आप सफर कर रहे हैं तो थक जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं होता उसमें, सही है। तो अगर आप जैसे कि नारायण कागान जाते हैं तो वहां पे आप कैंप कैंप एरियाज होते हैं मुख्तलिफ, जहाँ पे आप कैंप लगा सकते हैं, तो वो आप वहां पे कैंप लगा के इजीली आप रेस्ट कर सकते हैं। आप रात को अगर जंगली जानवर वहां पे अक्सर आ जाते हैं, इस तरह से आप अपने नॉर्दर्न जो आपका प्लान होता है या आपकी ट्रिप होती है उसको इजीली आप आसानी से वहां पे आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप वहां पे रह सकते हैं बगैर किसी इतने उसमें, मतलब के कॉस्ट भी आपकी नहीं लगती, कि अगर होटल लेना है आपको 10,000 का होटल पर नाइट मिलेगा, लेकिन वो अगर आप एक ही दफा वो एक कैंप ले लेते हैं, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको सस्ता सस्ता कैंप जो है वो राजा बाजार या से यहाँ कहीं से करीब जो भी बाजार है वहां से मिल सकता है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का टेंट लेना चाहते हैं तो वो आपको किसी अच्छी दुकान से मिलेगा, जो कि 5-6 हजार का नॉर्मल होगा, लेकिन उससे आप क्या कर सकते हैं कि वो आपके जितने आप आगे टूर करेंगे वो आपके लिए आसान होगा, क्यों अगर आप हर मतलब हर वीक आप टूर करते हैं, आपको बहुत शौक है टूर का, तो आप विजिट करते हैं नॉर्दर्न एरिया यहाँ पे वहां पे, तो आपको होटल को आप जो दोगे दोगे 10,000 रुपये आप पर नाइट, वही आपको अगर हफ्ता भी रहो तो आपको टेंट पे अपना आपका कैंप होगा, तो उस पे कोई आपको कॉस्ट नहीं होगी। आज तक के लिए इतना ही, मेरे साथ मजीद जुड़े रहिए, अल्लाह हाफिज़।